चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, एमएलए हो, सांसद हो, सब चोर है, एवरीबॉडी सब चोर है। बीजेपी का सरकार एक नंबर के बेशक, मगर उनके मिलाज के जो अधिकारी हैं एक नंबर के सच चोर हैं। हाँ, अभी तो काफी बार यहाँ बैठकें हुई हैं, सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पुल बन जाएगा, कार्य चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम ही नहीं, हमारे जैसे हजारों व्यक्ति आते हैं, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, अभी कोई घटना घट जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सरकार बढ़िया है, मिडिल क्लास के अधिकारी चोर हैं, सब आज मैं खुला कह रहा हूँ, सब चोर हैं। एक मरकरी नहीं थी, हम लोगों ने पार्षद के ऊपर कसनी की तब यहाँ मरकरी लगी है। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से हादसा हुआ जिसमें 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हम लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ में भी एक ऐसा पुल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुल है ये भी एक वैसा ही पुल है जो मौत को दावत दे रहा है। तो लंबे समय से ये पुल बना हुआ है, इसी पुल से तमाम लोग आते जाते हैं। हालांकि जब यहाँ पानी ज़्यादा भर गया तो अब लोगों ने पुल से आना बंद कर दिया, अब लोग नाव से आते हैं। देखिए, तमाम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रस्सी के सहारे नाव में बैठकर यहाँ से वहाँ जाते हैं और उस दूसरे एंड से यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि यहाँ से वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अगर आप आगे जाएंगे उसके बाद वो रास्ता आता है। देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे जोखिम में अपनी जान डालकर यहाँ पर पहुँचते हैं। क्यों भैया, कब से ये पुल ऐसे है और कैसे आप लोग यहाँ से सफ़र करते हैं? ये पुल लगभग बरसात, जब पहली बरसात चालू हुई थी ना, तब बरसात में पुल ये बह गया था, अपने आप टूट गया। फिर उसके बाद हम लोग इसी नाव से आना जाना होता है। तो मतलब इसी इस कोने से उस कोने तक इसी नाव का सहारा। कभी पुल कितने दिन से नहीं बना ऐसे? लगभग हो गए हैं 3 महीने, 3 महीने लगभग हो गए, 90 दिन। कैसे टूटा था पुल? ये बाढ़ से, पानी के बहाव से, यहाँ तमाम कचरा जम जाता है, धोती वगैरह जो आता है ना, तो उसी से ये सब टूट जाता है हर बार। क्षेत्रीय विधायक हैं नीरज बोरा, उन्होंने कई बार कहा है कि ये पुल भी बनेगा। राजनाथ सिंह जब थे यहाँ पर, उन्होंने भी कहा था इस पुल का निर्माण कराया जाएगा, कभी हुआ? हाँ, अभी तो काफ़ी बार यहाँ बैठकें हुई हैं, सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पुल बन जाएगा, कार्य चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप भी यहीं कहीं रहते हैं? हाँ, हम उस पार रहते हैं भैया। तो उस पार से आप रोज इसी तरह से? हम ही नहीं, हमारे जैसे हजारों व्यक्ति आते हैं, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, अभी कोई घटना घट जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की तो जिम्मेदारी होगी। और ये बेचारे रात दिन काम करते हैं यहाँ पर कमर से ऊंचे ऊंचे पानी था सब। नाव चलाते हैं? हाँ, ये भैया नाव चलाते हैं। देखिए, ये है नाव चलाते हैं। आप यहाँ नाव चलाते हैं, कब से यहाँ पे मतलब नाव चला रहे हैं? ऐसे ही लोगों को लाते हैं क्या? जी, हम तो इसी साल से हमने नाव मिली है तो चला रहे हैं, बाकी दूसरे लोग चलाते थे। हाँ, तो ये पुल कब से टूटा है, क्या कभी बना? बारिश में हट जाता है, ऐसा ही टूट जाता है। ये बारिश में ही हटा दिया जाता है, बारिश के बाद में फिर लगा दिया जाता है। तो पुल की स्थिति तो काफी जर्जर है, तो ऐसे में हादसा? पुल की स्थिति जर्जर है तो भाई जो ठेकेदार है वही लोग बता सकते हैं ना, इसका हम लोग तो नहीं बता पाएंगे ना। कब से आप ये पुल ऐसे देख रहे हैं? हम तो यहाँ अपने बचपन से देख रहे हैं। जी, पुल का निर्माण होते देखा? नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं। तमाम लोग रहते हैं गांव पे, शिकायत की गई होगी आप लोग ने कि पुल को बनवाए थे, क्या कभी किसी अधिकारी या प्रशासन के लोग ने इसको देखा? नहीं, आते हैं लेकिन अब नाप झोंक के चले जाते हैं, हम लोग क्या उसमें कर सकते हैं। जो सुना आप लोग बताते हो वही लोग हम भी लोग जानते हैं। अच्छा, ये जो सामने जगह है जहाँ से आप लोगों को लाते हैं, ले जाते हैं, इसका कोई दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता बाईपास से, ये वाला पुल पक्का वाला पुल। किलोमीटर का फर्क? ये कम से कम 14-15 किलोमीटर का फर्क होगा। अच्छा, अगर जैसे किसी के पास गाड़ी वाड़ी नहीं है तो वो कैसे जाएगा? तो भैया आप सरकारी बता सकता है या जिसके पास नई है गाड़ी वो लोग बता सकते हैं कितनी दिक्कत होती है। इस पर चलते हैं कभी, नाव पे लोगों को लेके जाते हैं तो कभी कोई हादसा हादसा तो नहीं? नाव पे कभी नहीं हुआ। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि ये पुल बने? सभी जनता की जो मांग है वो हमारी भी है।
देखिए मांग है, लोगों का कहना है कि बहुत सारी मांगे हैं, क्या मांगे प्रशासन? बस प्रशासन से मांगे हैं कि ये पुल बन जाए शीघ्र अतिशीघ्र, हम सब लोगों को आने जाने का सुलभ बढ़िया रास्ता मिल जाए, बस यही मांग है और कोई मांग नहीं है। तो नीरज बोरा है विधायक, उन्होंने कभी क्या आए यहाँ बैठकें करी उनका? बहुत आए, सभी लोग आए, सभी लोगों ने आश्वासन दिया, नाप जोक हुई सब, लेकिन अभी तो कोई कार्य तो चालू नहीं, तो सालों से हो रहा इसे है। कभी इस पुल पे हादसा होते हुए देखा जैसे? नहीं, हादसा तो खैर हादसा नहीं होता है, वो जब बहाव आता है ना तो इसको कोई खोलता थोड़ी है, ये अपने आप एंगल खुल के टायर करके उधर हो जाता है। एक बार तो ये पुल वहाँ पहुँच गया था, वहाँ से बेचारे सभी लोग खींच करके लाए, अभी गंगा दशहरा तक लगेगा। स्कूल के बच्चे तमाम नौकरी वाले लोग भी जाते तो क्या इसी नाव से? सब इसी, बच्चे छोटे बच्चे, स्कूल वाले, मजदूर वाले, खेती किसान वाले, आने जाने वाले, नौकरी करने वाले जो उस पार से इस पार जाते हैं, सभी इसी नाव का सहारा लेकर के उस पार जाते हैं। हाँ तो देखिए ये, और एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, कितना गहरा है ये पानी? ये गहरा 20 फुट है, 15 फुट है, सब ऐसे ही गहरा है। और ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप नाव से लेके जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक का कितना रुपए लेते हैं लोग? आने जाने का 10 रुपया है, किसान से कोई मतलब भी नहीं, जो पब्लिक दे दिया खुशी से उसी से हमारा भी गुजारा हो जाता है। स्कूली बच्चे और जो नौकरी करने वाले लोग वो भी इसी नाव से आते हैं? सब जितने बच्चे हैं स्कूली वो भी जाते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं स्कूली बच्चों से। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि लगातार शिकायतें की गई और जो विधायक हैं उनसे भी यहाँ पर बताया गया, पर इस पुल का निर्माण नहीं हुआ। जानना चाहेंगे ये कब से पुल ऐसा ही है? देखिए मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से पुल तो ऐसे ही बना हुआ है, कितनी सरकारें बदली, कितनी आई और इतनी चली गई, कोई पुल का निर्माण नहीं करा पाया। अभी 2012 में हमारे विधायक अभिषेक मिश्रा जी थे, 5 साल के कारवास में उन्होंने पक्के पुल के बगल में एक नया पुल बनवा दिया, और 2014 से लेके आज 2022 हो रहा है, 10 साल हमारे डॉक्टर नीरज बोरा विधायक रहे कमल के फूल से, उन्होंने आज तक एक पुल का निर्माण नहीं करा पाया। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दें तो ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, वो भी इसी नाव का सहारा लेते हैं, और पुल काफ़ी लंबे समय से टूटा हुआ है, और ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि लोगों की ये मांग है कि इस पुल का निर्माण कराया जाए। इससे पहले जो यहाँ के विधायक हैं नीरज बोरा और जो राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर से कहा था कि इस पुल का निर्माण जाएगा, पर अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया। जो बातें कही जाती है वो सिर्फ कागजों पे ही रह गई, जो जमीनी हकीकत है वो हमने आपको दिखाई। वीर जनित सुंदरम के साथ मैं अबू तला, आज की खबर लखनऊ।